हो मेरे प्राणों से ये प्यारे ये नैना तू खोल मेरे लखन दुलारे बोल कर चुको लक्ष्मण को और पैसा ही मुझे सौंप देना। अब जब लक्ष्मण नहीं है तो मैं माता को क्या जवाब दूंगा, मां से मैं क्या कहूंगा लक्ष्मण, क्या मैं ये मां से जाकर ये कह दूंगा कि मां राम ने तो तुम्हारे लक्ष्मण को खो दिया खो दिया। मेरे प्राणों से ये प्यारे मेरे प्राणों से ये प्यारे लक्ष्मण के बिना ये राम कैसे जा जाएगा। मेरी जानकी का हरण हो चुका है, मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, अंत में ऐसी घड़ी का सामना करना पड़ रहा है राम को कि मेरा लक्ष्मण लक्ष्मण मौत के झूले में झूल रहा है। और बिना लखन के बिना लखन के बिना लखन के बिना लखन के मर जाऊंगा मैं, ये जीना शकूंगा ये नैना तो खोल मेरे लाल हो लाल मुख से तो बोल मेरे लाल ले
इने ना तो बोल लाल
बोलना और बोलना मेरे भैया लखन मुख से तो बोलना, तेरे बिन नहीं जीना हो, और तेरे बिन नहीं जीना मर जाना बोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना बोलना, तेरे बिन नहीं जीना। हमारा लक्ष्मण हमारे साथ में आया और संग में ये आया था, साथ में आया राम शिकागी राम, हम कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। संग में ये आया था, देखो ये बल, हेलो हेलो, और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे कल्लू महाते अपू के पापा हैं, जो कि 100 रुपए ये राम जी के बिला पर प्रदान करते हैं अपू के पापा। कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत। संग में ये आया था और मेरे ये मन उजड़ गया है, अब अधिकार ये प्यारा चमन उजड़ गया, राम के भी मन में कई लक्ष्य थे लक्ष्मण को साथ में ले जाने के, और राम के मन में हो राम के मन में कई लक्ष्य थे मन तो आया था शक में, और मेरा ये लक्ष्मण राम के सारे अरमान मिट गए। हो बोलना मेरे भैया लख मुख से तो बोलना, और तेरे बिन नहीं जीना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना बोलना, और तेरे बिन नहीं जीना मर जाना बोलना। हनुमान लक्ष्मण जी जैसा देखकर राम का हृदय फटा जा रहा है, मैं क्या करूं हनुमान प्रभु, श्रीलंका प्रदेश में मेरी कोई सुनने वाला नहीं। प्रभु आप धैर्य को धारण रखें, भैया लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा, आप चिंता ना करें प्रभु। हनुमान क्या उपाय है लक्ष्मण को बचाने के लिए, हम शत्रु के क्षेत्र में पड़े हुए हैं, हमारी शत्रुता चल रही है, जहां यहां पर कोई नहीं है अपना, सब पराए हो गए हनुमान। नहीं प्रभु, जो धर्म पर चलते हैं परमात्मा उनके साथ न्याय करता है, आप चिंता ना करें अवश्य उपाय मिलेगा। जाबु वैति कहे वेद सुखे प्रभु, लंका में सुकैन वैद्य नाम के रहते हैं,
और अपने वीर हनुमान ने लंका को भली भांति देखा है, हनुमान के द्वारा वैद्य सुकन को बुलवा लीजिए तो कुछ ना कुछ उपाय जरूर। हेलो जी प्रभु, लंका में जाओ, सुखेन वैद्य को लेकर के आओ, लक्ष्मण का उपचार करवाया जाए कि लक्ष्मण को हुआ क्या है। इस प्रकार से कोई ना कोई उपाय अवश्य निकल आएगा, सुखेन वैद्य को लेकर के आओ। जैसी आज्ञा प्रभु। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री राम। धर लागी रूपी गयो हनुमता, धर लागी रूपी गयो हनुमता, अरे उमा बता सबे तुरहिता, अरे उमा बता सबे तुरहिता। प्रभु वैद्यराज इस समय निद्रा में है, हनुमान को जगाया जाए। जैसी आज्ञा प्रभु। वैद्यराज उठिए, वैद्यराज जागिए, जागिए वैद्यराज। अरे वैद्यराज कहाँ जा रहे हो? वैद्यराज जी, हमने हनुमान के द्वारा तुम्हें बुलवाया है, हमारा ये लक्ष्मण युद्ध करने के लिए गया था, युद्ध स्थल में पता नहीं लक्ष्मण को हुआ क्या है, लक्ष्मण की दशा क्यों हो गई ऐसी, इसलिए मैंने हनुमान के द्वारा तुम्हें लंका से यहां बुलवाया है। आप मेरे भाई लक्ष्मण को अच्छा कर रहे हैं। हो ये खामोशी क्यों छाई लखन को, आंखें क्यों ना खोल रहा है, खामोशी क्यों छाई लखन को, आंखें क्यों ना खोल रहा है। लक्ष्मण की ये खामोशी राम को खल रही है। अरे वैद्यराज जी, हो ये लंका के बाद ये वैद्यराज जी हमें बताओ तन मन क्यों ना रो रहा है। ये प्राण से प्यारा, ये प्राण से प्यारा मेरा लक्ष्मण, आंखें क्यों ना खोल रहा है। लक्ष्मण बोल नहीं रहा है, आंखों को बंद किए हुए है वैद्यराज जी। अरे प्राणों से प्यारा मेरा ये भैया, लक्ष्मण मेरा भाई ये प्राण, ये बीच भवन में फंसी मेरी भैया। राम की नौका को चलाने वाला था लक्ष्मण, जब लक्ष्मण नहीं तो राम कैसे जिएगा। ये प्राण से प्यारा और मेरा लक्ष्मण, आंखें क्यों ना खोल रहा है। ये खामोशी, ये
ये खामोशी क्यों छाई लखन को तन मन क्यों ना डोल रहा है। हमारे लक्ष्मण की दशा, आपका नाम सुखेन है, जिस रोगी को आप छू लेते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि आप सुखेन नामक वैद हैं, जिस रोगी को आप छू लेते हैं वो सुखी हो जाता है, तो लक्ष्मण को भी अच्छा करते हैं, इसलिए मैंने बुलवाया हनुमान की। ना कोई पता ना कोई ठिकाना, मैंने हनुमान के द्वारा वैद्यराज जी बुलाया है, अब बुलाया है तो आप कौन हैं? मैं वही राम हूं, अयोध्या का राम, हमारी दशानन जी से शत्रुता चल रही है, मैं अयोध्या का रहने वाला राम हूं, मेरा ये पता है, तो मैं क्या कर सकता हूं? आप हमारे लक्ष्मण को देखें, लक्ष्मण को हुआ क्या है? ये मेरे लक्ष्मण यहां से चल करके गया था, उठा करके लाए हैं लक्ष्मण को, तो ये लक्ष्मण के कारण ही, लक्ष्मण को अच्छा करने के लिए मैंने तुम्हें बुलवाया है। हे प्रभु, तरह आपका कार्य करे अनुचित होगा, हे राघव बैरी को अरबो करे। कर सकते हैं हे राम जो आज्ञा देते हो, इस समय अधर्म किया जाए। आप तो साक्षात में धर्म अवतार हैं, आप चाहे तो जिसे माला माल कर सकते हैं, आप चाहे तो आप राजा को भिखारी भी बना सकते हैं। हे महाप्रभु, ठीक है, अगर ऐसी आपकी इच्छा है। वैद्यराज जी, धर्म की और अधर्म की बात जब राम के सामने आ गई तो ये आपको पता है, आपको पता नहीं होगा, धर्म के पीछे यदि लक्ष्मण मेरा मर रहा है तो भले ही मर जाए धर्म की बलबेदी पर, लेकिन राम ने ना कभी अधर्म किया है और ना मैं ये कहूंगा कि आप अधर्म करें, नहीं, भले ही मेरा लक्ष्मण मर जाए लेकिन आप अधर्म की ओर अग्रसर ना हो। और जिस धर्म है तू मेरा ये नाच गया, और सीता प्यारी का हर जिस धर्म ही तू प्रिय भरत छूटा,
मेरे पितृदेव का हरण हुआ, पिताजी स्वर्गवासी हो गए। यदि आज धर्म पर और मेरा ये लख यदि मर जाए तो ये मर जाए, लेकिन आवाज यही होगी ये धर्म नहीं जाने पाए। हनुमान इनको वापस किया जाए लंका के लिए। हमारा लक्ष्मण यदि धर्म के पीछे मर रहा है तो भले ही मर जाए, लेकिन राम ये नहीं कहेगा कि आप अधर्म अधर्म करें। नहीं 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 महाप्रभु, कभी नहीं। लक्ष्मण मर रहा है, मर जाने दो, लेकिन धर्म कभी नष्ट ना हो जाए, क्षमा करें प्रभु। मेरा ये सदा संकल्प रहा है, क्षमा करें। भाई धर्म से बढ़ करके नहीं है, और धर्म के पीछे लक्ष्मण यदि मर जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन आप अधर्म ना करें। नहीं नहीं, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। वास्तविक में आप महाप्रभु ठीक है, मैं देखता हूं लक्ष्मण को क्या होगा। वेदराज जी, हे महाप्रभु, वेदराज जी बताओ, हे नाथ क्षमा करें। सच कहूं तुमसे हो, लेकिन हमें विश्वास कैसे होगा कि तुम साची बात कह रहे हो। सच कहूं तुमसे बनावट नहीं है, और मेरी पेटिका में वो औषधि नहीं है, मेरे पे वो औषधि नहीं है। Oh,
हे महाप्रभु क्षमा कर। वेदराज जी वो औषधि कहां मिलेगी जिससे मेरे लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं? हे महाप्रभु कोई आपके रामागन में ऐसा भी है जो वहां पर जा सके? हेलो, ये चलते हुए प्रसंग पर वेदराज जी तुमने वीर की बात की। हाँ, हमारे रामादल में महावीर उपस्थित है। एहो महावीर, तुमने राम के सभी संकटों को दूर किया है। आज राम के ऊपर एक संकट और आ गया, उसका निवारण कर दो। और कपिपत की तुमने रक्षा की, ये कपियों को तुमने तारा है। और ये पल में अशोक वृक्ष के नीचे सीता का कष्ट मिटाया है। अब जान डाल कर ये लक्ष्मण में और राधा को पूर्ण सुखी करना, जो तेरा अब तक ऋणी रहा इसको भी और ऋणी करना। राम तो तुम्हारे शरणों और ऋणों से दब गया, आज इतना बड़ा संकट आ गया कि मेरा लक्ष्मण मुझे छोड़ करके चला जाएगा। हनुमान, इसलिए लक्ष्मण की प्राणों की बाजी आज लग गई है। लक्ष्मण के प्राण को मैं बचाना है। वेदराज जी वो औषधि कहां मिलेगी? हे महाभाव, उत्तर में एक द्रोणाचार्य रहे। जब तुम बूटी लेने के लिए जाओगे तो वो बूटी कैसी है? ज्वाला के भात चमकती है, ज्वाला के भात चमकती है। अगर वो बूटी रात में नहीं आई तो लक्ष्मण के प्राण जा सकते। नहीं नहीं वेदराज जी, अब लक्ष्मण के बारे में कुछ मत कहो। हनुमान, प्रभु आप सुख का त्यागन करें। हे हनुमान, अपने प्राण को त्याग करके भी लक्ष्मण को जीवित कर सकता है। प्रभु आप चिंता ना करें। काहे को सोच करो करुणानिध, काहे को सोच करो करुणानिध, चले कई मैं दुख दूर भगाऊं। शीतल चंद्र में अमृत निवास करे, आयु छोड़ दो तोड़ ले आऊं। जाय पाताल हनु सब नागन, अमृत को कुंड लाए पिलाऊं। राघव दास कहे प्राण त्याग लखन जिबाऊं। आकाश में हो, आकाश में हो या पाताल में, चाहे हो वो सागर में, लाएगा दास कहीं जाकर, चाहे हो ब्रह्मा कहीं में। बतला उसका रंग रूप किस तरह हाथ को आएगी। रघुराई यदि सायक है तो धनुजे से पहले आ जाएगी। वेदराज आप उसका रंग रूप हमारे लिए बताइए। वो सूर्य उदय से होने से पहले वो औषधि यहाँ उपस्थित हो जाएगी। हनुमान, उत्तर में द्रोणागिर है, और जब तुम बूटी की कहते हो तो वो बूटी कैसी है? ज्वाला की भात चमकती है। बूटी उसे कहते हैं और रातों रातों में आ सकती है, तो लखन के प्राण बच सकते। लक्ष्मण का जीवन आज संजीवन नाम की बूटी बन गई। हनुमान, तुम्हें रात ही रात में आना है। यदि रात ही रात में नहीं आए तो लक्ष्मण मर जाएगा। हेलो, अंधकार लक्ष्मण का जीवन है। हेलो, ये चलते हुए राम के वंश के कुल का दीपक बुझ जाएगा सुबह होते ही, इसलिए लक्ष्मण का जीवन बचाना है तुम्हें।
सुमित्रा मात की ये भरी रहे कपिनाथ और ये सुहाग उर्मिला का बस आज तुम्हारे हाथ उर्मिला का सिंदूर है लक्ष्मण और बजरंगी याद रखना ये फूल ना जाना ये रात ही रात में लौट के आना ये बजरंगी हो रहा और जाना वहां रात ही रात में हाँ रात ही रात में रात ही रात में रात ही रात में हनुमान प्रभु और मिल जाए संजीवन बचे लक्ष्मण का जीवन आज संजीवन है लक्ष्मण का जीवन हो मिल जाए संजीवन बचे लक्ष्मण का जीवन ये मौत कहती आ जाए लक्ष्मण का जीवन और जल्दी से आना ये बूटी को लाना भैया राती रात में राती रात में हनुमान राघव मेरा मान बन के और सम्मान बन के ये चले जाना बजरंगी चले जाना शान बन के रख कुल मान बन के चले जाना ये बजरंगी चले जाना जाओ हनुमान लक्ष्मण का जीवन आज तुम्हें बचा रहा है प्रभु आप किसी प्रकार की चिंता न करें आप अपने हृदय में धैर्य को धारण करें प्रभु संजीवन बूटी वह सूर्य उदय से पहले रामा दल में उप
उपस्थित कर दूंगा। यदि ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो मैं आज से हनुमान नहीं कहलाऊंगा और मैं अपने प्राणों का प्रत्याग कर दूंगा। स्वामी आप चिंता न करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम। चरण सर से जीवरी राखी चला प्रभंजन सुति बैली भाखी। सर को झुकाओ हनुमान को मनाओ चलो दर्शन को चलते करते मैं ही निवारिया करते मैं ही निवारिया करते मैं ही निवारिया मैं ही निवारिया। तुम हो दीवाने राम जी तुम को है प्यारे। तुम हो दीवाने राम जी तुम को है प्यारे। सीता माता के तारे नहीं पहुंचे थे तेरे पे ha